गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, पर आलस की भरमार है। डॉक्टर के जाना था, इनफैक्ट जाना है, तो अभी बस देखती हूँ, उठती हूँ, निकलने की ट्राई करती हूँ। आज समृद्ध की भी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे यह है कि मैं जाऊँगी तो उसको भी दिखा लाऊँगी, तो छुट्टी करवाई है उसकी मैंने स्कूल से कि मेरे साथ चल लेगा। देखती हूँ, अभी उठती हूँ। और सुबह सुबह हो गया था तांडव, अभी बज रहे हैं 12 बज गए शायद, उठा ही नहीं जा रहा क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे जो तमाशा हुआ है आपको बता नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम एकदम से ही आँख खुली ना तो कैमरा ऑन करना भूल गई। लूना समृद्ध खेलने गया था और इसके पापा ने दरवाज़ा खोला था। मैंने ना रात को दरवाज़ा ना कपड़ा अटका के टाइट करके बंद कर दिया था और इसके पापा ने दरवाज़ा खोला लॉक करने के लिए। गेट गए और दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया। लूना खोल लेती है गेट अंदर से और लूना ने गेट खोल लिया। लूना ने पूरे घर में उधम मचा दिया। समृद्ध का स्कूल का एक रजिस्टर पड़ा था, वो फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया। मतलब जो अभी तक उसने सेशन की पढ़ाई की थी ना, वो पूरी बर्बाद। और उसके बाद कंप्यूटर टेबल के ऊपर चढ़ के और वहाँ पे जो भी सामान पड़ा था सब काट दिया, सब फाड़ दिया। इवन ड्रेसिंग का जो ड्रॉअर सेट था उसके ऊपर भी कुछ सामान पड़ा था, वो भी निकाल के पता नहीं कैसे उसने सारा फाड़ दिया। डस्टबिन का सारा कूड़ा निकाल के फाड़ दिया पूरे घर में, उस कमरे के बेडरूम से लेकर वहाँ सोफ़ा, किचन, सारी जगह पर कूड़ा ही कूड़ा हो रखा था। तो सुबह सुबह ये पता नहीं क्या वॉशरूम जा रहे थे या क्या कर रहे थे, तो इन्होंने जाके देखा तो ये तो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए, पूरा घर फाड़ दिया। अब समझ नहीं आ रहा ना कि वो इरिटेट होके कर रही है या वो अंदर से परेशान है या उसको भूख है, क्या है समझ ही नहीं आता उसका हमें। फिर हार के हमें क्या करना पड़ता, हमने एक बेल्ट यहाँ बांध रखी है, उसको बांध के सोना पड़ता, नहीं तो वो बिल्कुल सोने ना दें हमें। रात को अच्छे से सो रही थी मेरे पास, यहीं पे सो रही थी, पता ही नहीं कब उठ के चली गई। और फिर उसके बाद 2 घंटे जो हल्ला बचा। और ऐसे में क्या होता है ना, जब घर में कुछ हो जाता है ना, ब्लेम गेम चलता है, तूने ये कर दिया। अब मेरे को गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा आप जब उठे हुए थे, आपको पता है वो शैतान बच्चा है, तो आपको उसको बांध के वॉशरूम जाना चाहिए था, नहीं तो दरवाजे को कुंडी लगा देते बाहर से। बस सुबह सुबह कलेश हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लापरवाह है, ये हर चीज़ के लिए लापरवाह है, अपनी चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा लापरवाह है। उनको पता है कि वो काट देती है चीज़ें, अपनी एयरफोन की लीड यहाँ छोड़ देंगे, हैंकी, मेरे घर के सारे हैंकी में उसने छेद कर रखे हैं, कहीं पर भी रख के छोड़ देंगे, और वो फिर छोड़ती नहीं है, वो उसको मौका मिलता वो तो काटती है हर चीज़ को। तो सुबह सुबह हो गया गेम, दिमाग खराब, मतलब नींद से एकदम उठो और पूरा घर भरा पड़ा हो। तो समृद्ध आया खेल के, तो समृद्ध ने सारा घर साफ किया, नहीं तो अभी मैं उठ के घर साफ कर रही होती। चलिए यार, अब सुबह तो हो गया कलेश, अब मनाना पड़ेगा इनको। मैं चाय वाय बनाती हूँ, उसके बाद फ़ोन पे बात करती हूँ, नहीं तो शाम तक वेट करना पड़ेगा। चलिए खाना वाना देखें, बच्चे तो सो रहे हैं दोनों, अभी उठाती हूँ समृद्ध को डॉक्टर के पास जाने के लिए। पूरे 12 बज चुके हैं और बच्चे कह रहे हैं कि पहले मम्मी नाश्ता करा दो। मशीन लगा दी मैंने और देखो मैंने नहीं खोली ना तो विंडो भी नहीं खुली। उमस उमस हो जाती है घर के अंदर ना अगर विंडो ना खुली हो, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है ना किचन में, इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। और बोल रखा है सुबह उठते ही जो पहला बंदा उठे वो खोल दे। आज तो वैसे ही एक चीज़ को लेके कलेश हुआ है, अब नहीं भूलना कुछ। बच्चों को भूख लगी है और मेरे पास ना ये आलू का बैटर रखा हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि ब्रेड पकौड़े तल देती हूँ फटाफट से। ऑयल मैंने चढ़ा दिया, साथ साथ चाय रख लूँगी, साथ साथ बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँगी, मुझे डॉक्टर पे जाना है। ब्रेड डाल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं बनी, 4 ही पीस बने थे, तो एटलीस्ट बच्चों को दे दूँगी। मैं तो प्लेन भी खा लूँगी, मेरे को तो वैसे भी ज़्यादा हैवी नहीं खाना, पर मेरा ना टाइम निकलता जा रहा है, डॉक्टर उठ जाएगा फिर शाम को जाना पड़ेगा। और चाय भी रख दिया मैंने सिम पे। जितने ये हो रहे हैं मैं सोचूँ मैं ब्रश कर लूँ, मैंने ब्रश नहीं किया, ब्रश कर लिया और ये फर्स्ट लॉट होने वाला है। मैं सोचूँ तब तक ना यहाँ का कंबल वंबल ठीक कर देती हूँ, खड़े रहने से तो कोई काम होता नहीं है, एक काम और निपट जाएगा मेरा। और फिर यहीं पे बैठ के खाना भी है तो गंदे नहीं मचेगा ना, इतना भी बहुत है, वहाँ से बाद में करती हूँ, डस्टिंग करनी है। समृद्ध ने नाश्ता नहीं किया तो उसके लिए ब्रेड पकौड़े वगैरह तल के इसमें डाल दिए हैं कैसरोल में, बाथरूम साफ़ करना है। मशीन हो गई है बट पानी रुक गया, इसको क्लीन करना भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। एसी चला के मैं थोड़ी देर लेटना चाह रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास तो जा नहीं पाई, लेट हो गई थी, क्योंकि विनीता भी साथ के साथ ही आ गई, तो फिर काम भी करवाना पड़ा। तो अब देखती हूँ शाम को इनके साथ जाऊँगी या तो
पर शाम को ना डॉक्टर साहब सिर्फ 1 घंटा बैठते हैं, बिना मतलब कि समृद्ध की छुट्टी भी करवा दी और जा भी नहीं पाई। 1:30 बज रहा है अब, क्या समृद्ध स्कूल जाएगा? कोई खाना वाना भी नहीं तैयार किया मैंने, उसकी ड्रेस भी तैयार नहीं है। चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ। बिग बॉस कल रात को देखा नहीं था क्योंकि पुराना देख रही थी, बिना नो स्किन के कैसा लग रहा है ना चेहरा, आदत हो गई ना फेस पे, तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा। तो बाथरूम धोना बहुत ज़रूरी है नहाते हुए, इसलिए मैं अपना थोड़ा टाइम ले रही हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए फिर मैं बाथरूम धोऊंगी। क्योंकि कल ना रात को इसकी विंडो क्लीन की थी, बहुत गंदा हो रहा है अंदर से, इतना गंदा हो रहा है, पूरी काली काई जमी हुई है। कपड़े से कितना भी मैं साफ़ कर सकती थी मैंने कर दिया, कूलिंग इतनी सी हुई है, इतनी सी, वो भी दरवाज़ा खुलते ही ख़त्म, कोई कूलिंग नहीं हो रही। तो विजय को भी बुलाना पड़ेगा, विजय से मेरी बीच में 1 दिन बात हुई थी, वो आ गया हॉस्पिटल से ठीक है, बट उसकी वाइफ अभी थोड़ी ट्रॉमा में है क्योंकि जवान बेटी गई है, यार कैसे इतनी जल्दी निकल सकते हैं उससे। बट वो काम वाम कर रहा है, तो मैंने सोचा था कि एक तो ये ट्यूब गिर गई थी उस दिन, तो इनसे मैंने सीधी तो करवा दी थी, पर उनसे ना होल्ड नहीं हुई हुक में, तो वो लगवानी है। कुछ एक हुक्स लगवाने हैं किचन में मुझे, मैं DIY से लेके आई थी ना हुक्स के पैकेट, वो लगवाने हैं और AC की सर्विस करवानी है। तो आज तो अब सफाई हो गई है, कल मैं सोच रही हूँ, कल विनीता को कहूँगी लेट आएगी तो मैं पहले विजय से सुबह AC की सर्विस करवा लूँगी, उसके बाद उससे सफाई कराऊँगी, नहीं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो बाथरूम में वो वाइपर मार गई है, पर वहाँ पे कचरा जो इसका विंडो का था वो इकट्ठा हो रखा है, वो नहीं उठा के गई। ये इसी तरह की चीज़ें मुझे गंदी लगती हैं, इसकी काम चोरी जो कर जाती है ना बीच बीच में, ही आँख मार के निकल जाती है। चलिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। आज थोड़ा सा ना लो फील हो रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ढंग से, तो अगर नींद आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो थोड़ी देर में उठती हूँ, नहाती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, बैल्कनी साफ़ करती हूँ और कपड़े सुखाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। अब तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब समृद्ध उठेगा तो ब्रेड पकौड़ा ही खाएगा, अब रात को सीधा खाना बनाना है, तो सोच रही हूँ राजमा चावल बना लेती हूँ। बट सैटरडे है, आई डोंट नो, क्योंकि सावन लगने वाला है 22 तारीख से, तो मैंने इनको मना कर दिया है कि सावन में आप चिकन मत खाना, तो रिक्वेस्ट तो की है, कह रहे थे कि नहीं खाऊंगा, और मंडे मैंने बोला ड्रिंक भी मत करना अगर हो सके, तो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, मतलब मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तो सावन में चिकन तो नहीं आएगा ये तो श्योरिटी है, तो हो सकता है आज ये चिकन बनाए फिर, तो मैं उनसे एक बार शाम को बात करके उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी। तो मुझे तो बनाना पड़ेगा ना अपने लिए, तो खिचड़ी पड़ी है, कल रात वाली खिचड़ी खा लूँगी, कल रात को इतनी गंदी खिचड़ी बनी थी ना, इतनी गंदी खिचड़ी बनी थी, मैंने उसमें जीरा इतना सारा डाल दिया गलती से, मेरी हाइट छोटी है ना तो वो उसमें कुकर में मुझे दिखाई नहीं देता, और बेवकूफ़ों की तरह नीचे फट्टा क्यों नहीं लगाया, फट्टा रखा हुआ है इसीलिए रखा हुआ है कि बड़े बर्तनों में मुझे दिखता नहीं है, तो मैं उस पर चढ़ के काम करती हूँ, बेकार हो गई। चलो मैंने बोला ना, बोलने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद ही रोक सकती हूँ, चलो आती है। जब इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है, और मैंने आज पूरा दिन वेस्ट किया। पहले तो मैं उठी 12 बजे, फिर उसके बाद चलो नाश्ता तो मैंने टाइम से निपटा दिया, और अभी मैं आपको बोल के गई कपड़े सुखाने हैं, बाथरूम धोना है, और ये भी सारा साफ़ करना है यहाँ से, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर गंदगी रहेगी, ये देखो मिट्टी मिट्टी हो रही है ना सारी, ये साफ़ करनी है, और मैंने 2:30 बजा जितनी काम चोरी छाई हुई है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि बाथरूम में भी गंदगी होती है ना, तो वो पूरे में फैलती रहती है, फिर कपड़े सुखाने हैं। पेट अभी भी ठीक नहीं हो रहा, और आज भी जाना रह गया डॉक्टर के पास, अब कल संडे हो जाएगा और फिर मंडे को जाना पड़ेगा, फिर 2 दिन मुझे और भी झेलने पड़ेंगे। दवाई का असर है, पर मोशंस अभी भी नहीं ठीक हो रहे यार। मैंने सिर्फ 1 ब्रेड पकौड़ा खाया, मतलब 1 पीस खाया, और 2-3 आलू के पकौड़े खाए, अदरवाइज़ मैंने नहीं खाया कुछ भी। क्या आप कहो कि बेसन नहीं सूट करता तो क्यों खाती है? चलिए यार पहले काम कर लेती हूँ फिर बता लेती हूँ। अंदर बैठी थी, लेटी हुई थी इनफैक्ट, तो मेरा मन नहीं था उठने का, तो संदीप को मैंने कहा दूध उबाल दे बेटा ला के, वो ले आया, उबालने रखा, तो मैंने कहा चल तो किचन में आया तो मूंग दाल भिगो दे, शाम को मूंग दाल चिल्ला बनाऊंगी, क्योंकि ये लोग तो चिकन खा रहे हैं, फाइनल हो गया मटर पनीर कल बनेगा, तो भाई साहब ने मूंग दाल भिगोई, आपको दिखाती हूँ। केला खिलाया है और बर्फ़ खिलाई है, फिर भी इसको भूख लग रही है, दूध भी पी लिया है, कितनी भूख लगती है देखो, और केला मांग रही है, वहाँ पड़े हैं ना केले, इशारा कर रही है और देते। अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल, ये देखिए, ये कटोरी में धोई नहीं कुछ नहीं, और सीधा पानी डाल के ये बड़े बर्तन में भिगोनी चाहिए, और इसमें पानी डाल के रख के चला गया क्या इसको बुलाती हूँ, सेमी, ओ सेमी बेटे तूने मेरी दाल भिगो दी है, वो भिगो दी या खाली गीली करके छोड़ दी, जो आप समझो, तो वो भीगेगी कैसे उस कटोरी में, ओ सेमी मतलब कॉमन सेंस की माँ की आग चलो अब हम इसको भिगोते हैं बड़े बर्तन में, मेरे को लग रहा है इसने धोई भी नहीं है, तो पहले मैं धो दूँ फिर भिगोऊँ। 3-4 बार धोने के बाद भी
पानी जो है साफ़ नहीं हो, तो मैं अभी इसको ऐसे ही भिगो रही हूँ, तीन चार बार धो दी मैंने, बट ये पानी साफ़ नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही भिगो के रख रही हूँ। जब ये फूल जाएगी ना, उसके बाद पानी एक दो बार और चेंज कर दूँगी, क्योंकि ना पानी नहीं आ रहा डायरेक्ट में, अभी इस टाइम पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, दिन में तो आ जाता है, पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहा। वैसे हमारे यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पहले पंखा बंद करूँ, कल भी वीडियो में ना कच 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 हो रही थी, तो वैसे पानी की दिक्कत नहीं है, पर क्या होता है ना, कभी कभी बीच बीच में पानी की दिक्कत आ जाती है। और एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने ना इतनी फास्ट डिलीवरी नहीं देखी, मैंने परसों जब वीडियो बनाया था ना इयररिंग्स का, तो मुझे ना नोज रिंग की भी इच्छा हुई कि मेरे पास नोज रिंग भी होनी चाहिए, तो क्लिप ऑन वाली तो है मेरे पास जो कल मैंने पहन रखी थी, मेरे को ना मीशो पे मिली तार वाली, तो ये है ना, ये तार वाली है, इसके अंदर तार है, तो मुझे वो अटकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लूज़ पड़ जाती है, ठीक से आती नहीं है, या तो बहुत टाइट करो तो बहुत दर्द होता है, तो इसमें ना तार है अंदर। नाक में क्या दिखा रही हूँ, रुको दिखा, ये देखो ये ना तार वाली हैं, तो ये चार या पांच का सेट था, पता नहीं चार निकली हैं, शायद चार का सेट है तार वाली, अलग अलग डिज़ाइन है चार के, तो एक मैंने कमल का फूल डाल रखा है, बाकी ये तीन डिज़ाइन आए हैं 155 रुपीज़ के, तो ये मैंने मंगवाई थी। कभी कभी जैसे ऑक्सीडाइज पहनना होता है ना, और मैंने ना सपना जी को कुर्तीज़ और सूट भेजा था, उनको इतना पसंद आया है, वो जो ब्लू सूट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ना, उसी के साथ का वो कह रहे हैं पिंक कलर है, बट जो फोटो मैंने देखी थी वो रेड था, तो मुझे लगा रेड कलर है, बट वो कह रहे हैं रानी पिंक कलर है, तो रानी पिंक कलर का सूट उनको मिला है, वो इतना सुंदर लग रहा है उनके ऊपर, कल के वीडियो जो मतलब आज उन्होंने वीडियो अपलोड किया उसके अंदर उन्होंने पहन रखा है, इतना सुंदर लग रहा है उनके ऊपर, बहुत ही प्यारा लग रहा है रानी पिंक कलर। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि हम दोनों ना एक रील बनाते हैं ट्यूनिंग करके, मैं ब्लू पहनूंगी आप रानी पिंक पहनना, दोनों ट्यूनिंग करके बनाएंगे रील। देखो अब आज शाम को जब बात होगी, तन्नु भी आ जाएगी स्कूल से, फिर हम बात करके रील डिसाइड करके फिर बनाएंगे। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ऑक्सीडाइज के सारे जो चीज़ें हैं वो मैंने सेट करके रख ली हैं, अब बस इसके बाद अगर मेरा रहता है सही हिसाब किताब और टाइमिंग, तो मैं एक एक सूट तीनों के लिए मंगाऊंगी, ड्रेस जो भी वो अगर राखी पे पहन सके वैसे, तो देखते हैं क्या रहता है कैसा रहता है, क्योंकि हमारा तो देखो अब बड़ों का तो कुछ है नहीं ना, इनकी कोई सिस्टर राखी बांधती है ना, मेरा कोई भाई राखी बंधवाता है, और जो बाहर हैं भैया उनको भी खाली मैं राखी भेज पाती हूँ, कोई गिफ्ट वगैरह तो भेज नहीं पाती, तो अगर मैं जाऊँगी तो मैं गिफ्ट लेके जाऊँगी उनके लिए भी, क्योंकि इतने टाइम से उनको मिल के राखी नहीं बांधी, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम जब से वो देहरादून शिफ्ट हुए हैं तब से तो बिल्कुल ही नहीं बांधी। तो चलिए अब मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरी पसीने से भीग चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये एसी खराब हो चुका है, कल रात को विंडो भी धोई थी बट पूरा काला हो रहा है। अब कल सुबह आएगा विजय और सर्विस करके जाएगा, उसको मैंने बोल दिया है पंखा चला लूँ, किचकिच किचकिच आएगी, चलो बाद में आती हूँ, कोई बात नहीं, दिखा दिया ना आपको नोज रिंग कैसी लग रही है, देखो अच्छी है ना। मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, देखो मम्मी कुछ बना लो, क्या बनाऊँ कुछ बना लो, क्या बनाऊँ कुछ बना लो, अंडा ब्रेड खाएगा नहीं, मैं मंदिर गया हूँ अंडा नहीं खाऊंगा, चीला ये खाएगा नहीं, चीला बना रही हूँ मैं मूंग दाल का, खाएगा तो या फिर सैम ये ना गलत बात है, ये डंडा पड़ा इसी से छूट दूंगी मैं तेरे को, गलत बात क्या है, बता मुझे क्या खाना है, क्या खाना है, खाना खाना है, खाना क्या मतलब रोटी बनाऊं, रोटी खाएगा गोभी आलू की सब्जी कल की, वो गोभी गोभी बढ़िया स्वाद में है, आलू के बिना तो गोभी भी नहीं खाएगा, आप रहने दो मैं आपको, नमक मिर्च की पराठी बना दो दही के साथ, मैं ऐसे ठीक हूं, सैमी खाना ही नहीं है ये सब, फिर मैं फिर क्या, आप मैक्रोनी बनाओगे, हां मैक्रोनी अच्छा जान छ, पास्ता भी बड़ा ऊपर, हां तो पास्ता कैसे बनाते हैं, वो रेडीमेड वाला है, हां वो पानी डाल के जैसे मैगी बनाते हैं वैसे बना, डाल दूं बस उसमें कुछ डालना तो नहीं है, क्योंकि तेरे चस्के अलग हैं, कितना पानी, जितना मैगी में डलता है, हां जितना मैगी पास्ता में एक एक कप या डेढ़ कप डलता है, कौन सा वो वाइट वाला कप, हां डेढ़ डलता है, दो पैकेट है शायद, हां दो पैकेट है, खाने चल देते हैं बस, जीना हराम कर दिया है, संन्यास लेने का मन कर रहा है मेरा, कौन सा पहाड़ पे जाऊं संन्यास लेने के लिए, कौन सा पहाड़ पे जाऊं। आज मैंने इनको बोल दिया कि आप वो बना लो, क्या बोलते हैं उसको, चिकन, क्योंकि फिर दो सैटरडे और संडे ही है, उसके बाद फिर मैं बनाने नहीं दूंगी, और मैंने गैस ऑन कर दी, पानी डाला नहीं, रुक जाओ, पास्ता के दोनों पैकेट डाले हैं, तो भाई साहब ने टाइम से आके मुझे रोक दिया, नहीं तो अभी इसका कांड हो जाता, फिर ये खाता नहीं, कि मसाला पहले कटोरी में डालो, फिर उसमें से निकालो मटर, मटर अलग करो, उसके बाद बनाना मसाला डालना,
इतने नखरे वाले बच्चे हैं ना, इतने नखरे वाले। वो तो मैडम सो रही थी, सोते सोते फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि चल मूवी देखने चलते हैं, या पता नहीं क्या कहाँ गई है, कहीं तो गई है, बता के तो गई थी, मेरे को भूल गया। तो वो अपना पीतमपुरा चली गई घूमने। घर में अभी कोई काम हो जाए ना तो इनकी माता मरती मरती मर जाती है। चलो मैं ये इसका छटाई का काम करके, फिर वहाँ पे बॉयल भी आ गया। जैसा कि आपको बताया था कि ये बना रहे हैं नॉनवेज, अभी अभी आए हैं और लेके आए हैं, तो अब इसको मैरिनेट वगैरह कर रहे हैं। मैंने सोचा अगर मैं खाली दिखूँगी ना तो कहेंगे मेरे को काम पे लगा के खुद खाली बैठ गया। तो दो दिन से सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, धनिया पुदीना सब आ रखा है, मैंने काटा नहीं है, आलस, काम चोरी नहीं, आलस।